हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ से फिर लेकर आए हैं आपके लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका ये ऑल इंडिया में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए देखकर हमने ये आपका सीरीज शुरू की है इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जो आपका हमने टॉपिक उठाया है वो आपका पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। जो हमारे संविधान की प्रमुख समितियाँ थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक साइड आपको समिति डाल दिया है, दूसरी तरफ आपको अध्यक्ष डाल दिया है। तो यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पर आता है संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। बात करेंगे सेकेंड नंबर की, तो संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हमने क्या बनाया था, संघ संविधान समिति बनाया था। बात करेंगे थर्ड नंबर की, तो आपको प्रांतीय संविधान समिति आता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। बात करेंगे आपको फोर्थ नंबर, संघ शक्ति समिति, यानी संघ शक्ति समिति के जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए थे। बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति तो आपको पता ही होगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनको बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। बात करेंगे तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। बात करेंगे यहाँ पर सेवन्थ नंबर की, तो वित्त एवं स्टाफ समिति। जो वित्त एवं स्टाफ समिति है वो किसको बनाया गया था, तो वो है एस एन सिन्हा। एस एन सिन्हा को जो है आपका बनाया गया था वित्त एवं स्टाफ समिति का अध्यक्ष। बात करेंगे एट नंबर तक, तो जो आता है आपका मूल अधिकार एवं उप, यानी जो है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जे वी कृपलानी बनाए गए थे। जे वी कृपलानी जो है आपके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट आया नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर आपका अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो एच सी मुखर्जी आपको जो है अल्पसंख्यक समिति के एच सी मुखर्जी बनाए गए थे अध्यक्ष। बात करेंगे टेंथ नंबर की, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था। बात करेंगे यहाँ पर इलेवंथ नंबर की, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर के एम मुंशी को। के एम मुंशी को जो है आपका संचालन समिति बनाया गया था। तो ट्वेल्थ नंबर की बात करेंगे आवास समिति, तो आवास समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो बी पट्टाभी सीतारमैया, यानी आवास समिति के जो हैं अध्यक्ष बनाए गए थे बी पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया था। बात करेंगे थर्टी नंबर, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, बारदा चरियार को जो है आपका आपका सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि जय हिंद जय भारत।